लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बात करो बिटुआ, मैंने खून नहीं किया है। तू सच सच बोल, वरना पदलोक यात्रा करवा दूंगा। मिनिस्टर साहब सच कह रहे हैं साहिल, इन्हें छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो। जय संतोषी मां। असली कातिल पकड़ा गया। असली कातिल मिल गया? कब और कैसे? तुम्हें इंस्पेक्टर उधम सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने तुम्हारे पिता के असली कातिल को पकड़ लिया है। अब तुम्हें शहर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, तुम आजाद हो। लेकिन कातिल है कौन? अरे मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये खून मैंने नहीं किया है। आखिर ये है कौन? शायद यहाँ कहना ठीक नहीं होगा। ईशा से क्या छिपाना, बोलो शीतल। असलियत जानते ही इसे धक्का लगेगा। ऐसी क्या बात है, कहो शीतल, कातिल कौन है? इसके डैडी ईश्वर दीवान। ये क्या कह रही हो तुम? झूठ बोलती है कमीनिया, साइल और मेरे बीच नफरत पैदा करती है। ईशा स्टॉप इट। देख लिया ना इसका मतलब ही चेहरा। मैंने तो पहले ही कहा था कि अंदर की गांठ की है, लेकिन तू एक बात समझ ले, साहिल मेरा है और सिर्फ मेरा है, समझी? उधम सिंह ने तुम्हारे डैडी को सबूत के साथ गिरफ्तार किया है, उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया है। यकीन नहीं आता, पुलिस स्टेशन जाके देख लो, तुम्हारे डैडी इस वक्त लॉकअप में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पापा किसी का खून नहीं कर सकते, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। ईशा रुक जाओ, ईशा जी। साहिल इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लव यू टू मच, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। समझ में नहीं आता, दीवान अंकल ने डैडी का खून क्यों किया? इसी सवाल का जवाब ईशा को भी चाहिए, इसलिए वो अपने डैडी से मिले गई है। तुम भी घर जाओ साहिल, माँ बहुत परेशान है। इतनी चुप क्यों हो माँ, कुछ बोलो ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि साहिल भैया को अब पुलिस छोड़ देगी और साहिल भैया हम लोगों के साथ रहेंगे। देखो साहिल भैया आ गए, साहिल भैया, साहिल भैया। माँ अब भी नाराज हो मुझसे? अपने आप से नाराज हूं मैं, मैंने तुझे गलत समझा, खून ईश्वर ने किया था और मैंने तुझ पर इल्जाम लगा, मुझे माफ कर दे बेटे। गुजरी हुई बातों को भूल जाओ माँ, मुझे माफ कर दे बेटे। साल भैया मैं ले लूं? अब तक तो इस लॉकेट की पहली सुलझा नहीं पाया, जाओ ले जाओ, खेलो। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। पांडु जारी नहीं। आप ठीक तरह से चला सकेंगे ना? हाँ हाँ। आपने बहुत पी रखी है। हाँ तुम खेलो। अरे आके देखो ना इसमें क्या है। क्यों परेशान कर रहा है? आओ ना। हाँ हाँ आता हूँ मैं। देखो ना भैया लॉकेट खुल गया है। किक। अरे गाड़ी ठंडी हो गई। ठंडा मार। अरे आगे से नहीं पीछे से, पीछे से। अरे मुझे नहीं गाड़ी को।
गाड़ी बंद ले, अब वो इधर ही ठहर जाते। अरे हम पुलिस वाले हैं, फुटपाथ पे तो सो नहीं सकते, और वैसे भी मोटरसाइकिल नहीं चल रही है, सर्दी भी यही सो जाते हैं। और थोड़ी थोड़ी पी भी लेते हैं। सर जी तू पुलिस स्टेशन जा, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूँ। सर जी ये लॉकेट तो पुलिस को भी नहीं मिला था, ये तुम्हें कहां से मिला? खून कभी नहीं छिपता। ये मेरा लॉकेट है। और कब तक छुपाओगे अपनी बेटी को? मैं जब तक जिंदा हूं तब तक उसे बचाऊंगा। एक बाप हूं मैं, और मेरी बेटी में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ उसे गुस्सा जरा ज्यादा आता है। वो तो बचपन से ही ऐसी है ना, वो भी तुम्हें कोई कुछ कहता है तब। याद है एक बार डॉक्टर गांधी के कुत्ते ने तुम्हें काट लिया था, और अगले ही दिन वो मरा हुआ मिला। ईशा ने उसे मार दिया था, और डॉक्टर गांधी ने कहा कि मेरी बेटी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा जाए। मेरे लाख मना करने के बाद भी उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा गया। डॉक्टर गांधी की यह चाल थी, वो तुमसे अलग करवाना चाहते थे उसे, साहब भी यही चाहते थे, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। तुम फिर से मिले और कॉलेज में तुम्हारा प्यार आगे बढ़ा, और पार्टी में जब सबके सामने तुमने उसका हाथ पकड़ा तो उसका हौसला और बढ़ गया, वो खुशी के मारे पागल हो गई। लेकिन दूसरे ही दिन डॉक्टर गांधी और साहब ने उसे ठुकरा दिया। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी लड़की के खातिर हम अपने बेटे की बलि चढ़ा दें? ये बेवकूफ हर बात जानता है, सारे हालात को जानता है, फिर भी चाहता है कि हम कंट्रोल योरसेल्फ। देखो दीवान, जिस मुसीबत का हल ना निकले तो हालात से समझौता कर लेना ही बेहतर। सर दया कीजिए, मैंने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, नजरों में गिर जाए। मैं गिर गया, अपनी बेटी की खुशी के खातिर मैं उनके पैरों में गिर गया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी, मुझे जलील करके वहां से निकाल दी। चलो बाबा। और नफरत और गुस्से से पागल हो गई। अपनी बेटी को इस तरह टूटता हुआ देखकर मैं भी घबरा गया था। तुमसे दूर होने का सदमा उसकी जान ले रहा था। मुझे लगा वो झेल लेगी, पर गुस्से में आकर उसने सांप का खून कर दिया। ये सब उसने तुम्हारे लिए किया बेटे, तुम्हें पाना चाहती थी, लेकिन खून का इल्जाम तुम पर लग गया और वो फिर से तुम्हें खो बैठे। ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई और उसने सच बोलने का फैसला कर लिया। मुझे मत रोको बाबा, अपने आप को पुलिस के हवाले करके मैं साहिल की जान बचा सकती हूँ। साहिल ये सच्चाई जानने के बाद तुझे कभी नहीं अपनाएगा बेटे, कभी नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ बाबा? तूने क्यों किया बेटे ये सब कुछ, क्यों किया तूने? पता नहीं क्यों बाबा, बचपन में मुझे साहिल से अलग कर दिया गया, और उस दिन जब पार्टी में साहिल मुझे अपनाना चाहता था, गवर्नर साहब ने सबके सामने हमारे प्यार को थप्पड़ मार दिया। उस वक्त जो खंजर साहिल के हाथ में था, मुझे लगा कि अगर वो खंजर मेरे हाथ में होता। नहीं बेटे, बेटे धीरज रख, भगवान के लिए धीरज रख, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। फिर जेल तोड़कर तुम उसे मिलने चले आए, और अब वो तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर गांधी को ईशा पर शक हो गया था और वो तुम्हें बताने ही वाले थे, इसलिए ईशा ने उनका भी खून कर दिया। ये क्या किया तूने? एक खून को छिपाने के लिए दूसरा खून। साहिल को पाने के लिए मैं 100 खून भी कर सकती हूँ बाबा, और जो भी बीच में आएगा मैं उसकी जान ले लूंगी। होश में आ। इससे पहले कि पुलिस यहाँ पे आ जाए तुझे भाग जाना होगा, साहिल को लेकर कहीं दूर चले जाना होगा। पर मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि ये सारी बातें जानते हुए भी मैं खामोश रहा, मैंने गुप्त रखी सारी बात, क्योंकि ईशा मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, और ईशा ने जो पाप किए हैं
उसका पश्चाताप करने के लिए मैं तैयार हूं। उसकी सजा मुझे भुगतने दो और ये राज है उसे सिर्फ राज ही रहने देना प्लीज। किसी के खून से बेटी की मांग नहीं भरी जाती। अरे तुम अंदर है, मैं समझा कि तुम भाग गया। क्या हुआ हवलदार? और एक हाफ मर्डर हुआ, उधम सिंह को किसी ने चाकू मारा। खूनी अगर अंदर है तो फिर चाकू किसने मारा? नो, नो, साहिल, साहिल रोको ईशा को, जाओ प्लीज। ओह गॉड। हेलो शीतल, कहो कैसे याद किया मुझे? इस वक्त घर में कौन कौन है? मम्मी डैडी हॉस्पिटल गए हुए हैं, सिर्फ मैं हूँ। दो नौकर हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओह गॉड शीतल, क्या हुआ? बत्ती चली गई है, बहुत अंधेरा हो गया है। देखो तूफान आ रहा है, तुम खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो और किसी को अंदर मत आने देना, समझी? किसी को भी नहीं, मैं बस पहुंच रहा हूँ 5 मिनट में। जानी निकाल दी, साहिल से बात कर रही थी। हाँ लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ शीतल, मैंने तुम्हें आज सुबह बहुत भला बुरा कहा, तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मुझे माफ कर देना। इसमें माफी मांगने की क्या बात है? तुम पे जो बीती वो अगर मुझ पे बीतती तो शायद मैं भी वैसे करती। नहीं शीतल, तुम ऐसा नहीं करती, मैं एक अलग किस्म की लड़की हूं। कहो ना, तुमने मुझे माफ किया? अच्छा बाबा माफ किया, बस जरा रुकना, मैं दरवाजा बंद करके आती हूं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, अब कोई अंदर नहीं आ सकता। थैंक यू। ऐसा तूफान मैंने पहले कभी नहीं देखा है, आज जरूर किसी पे बिजली गिरेगी। शीतल, तुम साहिल से बहुत प्यार करती हो ना? छोड़ो ये बात। पर ये बताओ, तुम साहिल के लिए किस हद तक जा सकती हो? यानी मैं तुम्हारी दोस्ती की इंतहा देखना चाहती हूं। प्लीज ये बात छोड़ दो। नहीं, मैं जानना चाहती हूं कि तुम साहिल के लिए क्या कर सकती हो। मैं साहिल के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। मैं भी साहिल के लिए अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन उसे सिर्फ अपना बनाने के लिए, हमारे बीच आने वाले की जान ले भी सकती हूँ। अगर मेरे और साहिल के बीच कोई रह गया है तो वो सिर्फ तुम हो। ये क्या पागलपन है? Ah!
तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या हुआ? शीतल कहाँ है ईशा? शीतल कहाँ है? साहिल! साहिल मुझे बचा लो साहिल! खामखा घबरा रही है, अब तुम ही इसे समझाओ ना, कहो ना इसे बाहर आने के लिए। इसके बाद में बताना साहिल, ये पागल हो गई है, इसके हाथ में खंजर है साहिल, ये मुझे मारना चाहती है। खंजर कहाँ? तुम बाहर आ जाओ शीतल। तुम इसे नहीं जाते साहिल, ये पागल हो गई है। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो बाहर आ जाओ शीतल। ये सब तुमने क्यों किया ईशा? तुम्हारे लिए साहिल, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। अगर मुझसे नफरत मत करना, बचपन का प्यार है ना। मैं तो तुम्हारा ही था ईशा, सिर्फ तुम्हारा। फिर ये सब भरोसा नहीं था मुझे किस्मत पर, मुझे गले लगा लो साहिल, मुझे गले लगा लो आखिरी बार। शंकर भगवान तेरा ही सहारा है। जय शंकर, जय okay, रिलैक्स, डोंट वरी। तेरी तो घबराइए नहीं मंत्री जी, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी इस टूटी फूटी हालत पर एक शेर इरशाद है, अर्ज किया है। सुनो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत सरकार करे, वो मंत्री क्यों मरे जिसका इलाज पूरा अस्पताल करे। आधा वर्दे आधा वर्दे आधा वर्दे। वाह पट्टी वाले शायर, फालतू पिटाई हो गई, असली कातिल कोई और ही निकला। घायल सज्जनों, अस्पताल में आराम से अपनी जिंदगी गुजारिए और दोबारा इन लफड़ों में मत पड़िए, वरना फिर मुलाकात होगी अगली ठुकाई के बाद। ब्यूटीफुल।